ensure that that shall not be removed, that shall not be torn, that shall not be affected. नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। तुम करो तो सही और हम करें तो क्यों गलत। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बीजेपी के राज में यही राजनीति देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो इल्ज़ाम बीजेपी उस वक्त लगाया करती थी जब कांग्रेस सत्ता में थी, वही इल्ज़ाम आज बीजेपी के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे CBI और ED की बात कर ली जाए, चाहे पेट्रोल की बात कर ली जाए, चाहे फ्री राशन को लेकर बात कर ली जाए। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और लोगों से बताते थे कि ये जो फ्री राशन बांटा जा रहा है गरीबों में, ये कांग्रेस सरकार अपने घर से नहीं लेके आ रही। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि अपने मामा के घर से कांग्रेस सरकार पैसे नहीं लेके आ रही जो गरीबों को राशन बांटा जाता है। आज उसी राशन की दुकान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाए जाने की बात हो रही है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे लेके लगातार तेलंगाना में राजनीति गरमाई हुई है, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जाते हुए दिखाई दी। दरअसल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इस बीच फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन की कार रोकी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो जो है वो गैस सिलेंडर के ऊपर लगा के उसे रोडों पर घुमाया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीतारमन ने राशन की दुकान पे जाके ये कहा कि यहां प्रधानमंत्री की फोटो क्यों नहीं है। दरअसल मैं आपको पूरा किस्सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको वो खबर बताना चाहूंगा जो राशन की दुकान की लगातार जो है वायरल होते हुए नजर आ रही, जिस पे लोगों का ज्यादा नजर देखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में सीतारमन जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ राशन की दुकान पे पहुंची। IAS जितेश पाटिल को वो लगातार इस वीडियो में धमकाते हुए, उनसे ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जहां पे उन्होंने गले में बीजेपी का बैंड भी पहना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ महिलाएं भी मौजूद हैं, लोग अपने सेलफोन निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच सीतारमन जो है वो वहां की लोकल भाषा में बात करते हुए नजर आ रही हैं और उनसे सवाल पूछते हुए नजर आ रही जो वहां पे IAS ऑफिसर मौजूद है। इस बीच में आपको यह भी बताना चाहूंगा, आखिरकार सीतारमन ने यह सवाल क्यों पूछा और उस सवाल का मकसद क्या था। दरअसल उस सवाल का सिंपल ये मकसद था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों नहीं है और राशन की दुकान पे जहाँ पे जनता फ्री में राशन सालों से लेते हुए आ रही है, आज बीजेपी के दौर में नहीं हुआ है। जब से देश आज़ाद हुआ उसके कुछ टाइम बाद से अगर कहा जाएगा तो राशन मिलना लोगों को शुरू हो गया था, क्योंकि देश में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो गरीबी देखने को मिलती है। ये कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन अब सीतारमन सवाल में अपनी ये कहते हुए नजर आ रही कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो चावल है सीतारमन के हिसाब से और वहां के लोकल एरिया के हिसाब से जो खबरों में मैंने पढ़ा, उसमें 35 रुपीज पर KG है, जिसमें 30 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट देते हुए नजर आती है और 4 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट देती है और 1 रुपए जो है वो वहां का इंसान देता है जब वो राशन खरीदता है। इसी को लेकर सीतारमन ने टारगेट किया और सबसे पहले IAS से पूछा कि ये बताइए इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना हिस्सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि केंद्र सरकार बीजेपी सरकार का कितना हिस्सा है। तो जब IAS बताने में नाकाम हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसको मौका दिया और सोचने के लिए बोला। जब मैं आपको बता दूं ये सारे सवाल हो रहे थे तो बगल में एक महिला खड़ी थी जिन्होंने हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सीतारमन ने टोक दिया, कहा रहने दो, उन्हें खुद बताने दो। इसके बाद में बताना चाहूंगा, जब IAS अधिकारी नहीं बता पाया तो सीतारमन ने खुद बताया कि इसमें बीजेपी का हिस्सा जो है वो 30 रुपए है, स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा जो है वो 4 रुपए है और जनता 1 रुपए दे के ये अनाज खरीदती है। इसके बाद उन्होंने बोला कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो बीजेपी पार्टी से नजर आता है देते हुए। ప్రధాని ఫ్లెక్సీ ఇక్కడ పెడతారు ఎన్షూర్ దట్ షల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ దట్ షల్ నాట్ బి టోర్న్ దట్ షల్ నాట్ బి అఫెక్టెడ। आप सोच सकते हैं किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कराया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जहां हर एक राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगवाते हुए सीतारमन दिखाई दे रही है। और याद करिए वो बयान जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए आते थे कि अगर कोई राशन गरीबों को दिया जा रहा है तो वो फ्री में नहीं दिया जा रहा है, कोई सरकार अपने घर से नहीं देती, दरअसल वो जनता का टैक्स होता है। तो आज वो सारी बातों पर पानी डाल दिया जाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, IAS ऑफिसर का काम होता है जनता की सेवा करना, हर एक चीज पे ध्यान रखना जो जनता की सेवा के लिए हो। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ सीतारमन जो है वो IAS को ये ड्यूटी देते हुए नजर आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए इस पे IAS ऑफिसर को कि कहीं वो कोई उखाड़ ना ले, कोई उसे फाड़ ना दे, और उसकी सुरक्षा जो है वो अब IAS अधिकारी के अंदर में आएगी। अब IAS अधिकारी का ये काम रह गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो की देख रेख करे, उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा दे ताकि उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। क्या सच में ये IAS अधिकारी का काम है? सीतारमन ने उनको ये जो काम सौंपा है क्या इसलिए
उसने सरकारी नौकरी जो थी उसके लिए इतने साल जो है मेहनत की और उस परीक्षा को पार की ताकि वो एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगवा सके राशन की दुकान पे और उसकी देखरेख कर सके। दूसरी खबर पे दोस्तों बात करते हैं और उस पे आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिए, तो आपने वीडियो देखा किस तरीके से लोग निर्मला सीतारमण की कार के सामने आके खड़े हो गए और लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप याद रखिएगा मैं महंगाई की बात कर रहा हूं जिसे लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी। याद रखिएगा किस तरीके से स्मृति ईरानी लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी जब गैस और सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इस बात को भी याद रखिएगा जब पेट्रोल के दाम लगातार उस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उस समय की सरकार पर वार करते हुए नजर आ रहे थे। ये वही महंगाई है जिसे लेके आज IYC यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता निर्मला सीतारमण की कार के सामने खड़े हो गए और प्रदर्शन करने लगे। मैं आपको बताना चाहूंगा जब प्रदर्शन हो रहा था इस बीच पुलिस ने पूरे तरीके से निर्मला सीतारमण को वहां से निकाल लिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इतना आसान नहीं था ये। यहां पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता आके खड़े हो गए थे और दोनों में कहासुनी भी वीडियो में देखने को मिली है। जिसे लेकर उमा शंकर लिखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ तेलंगाना IYC के कार्यकर्ताओं ने कामरेड्डी जिले के बसवाड़ा विधानसभा से गुजर रही वृत्त मंत्री निर्मला सीतारमण के काफिले के साथ सामने औचक प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसी तरह उन पर काबू किया और फिर काफिला आगे बढ़ा। तो आपने सुना किस तरीके से उमा शंकर सिंह ने लिखा है जो कि एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया कि जब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते हुए IYC के कार्यकर्ता उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे तो उस बीच पुलिस ने किसी तरीके से निर्मला सीतारमण को वहां से बाहर निकाला। मैं अब तीसरी खबर पे बात करना चाहूंगा जहां पे एक जर्नलिस्ट ये कहते हुए दिखाई दे रही है जिनका नाम बताया जा रहा है उमा। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोस्टर है वो सिलेंडर्स के ऊपर लगा दिया गया और उन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर भी किए जहां पे आप देख सकते हैं कि सिलेंडर्स को किस तरीके से रोडों पे टहलाया जा रहा है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है। इस वीडियो को लेकर जर्नलिस्ट उमा लिखती कि जहां एक तरफ निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि राशन की दुकान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो बीजेपी देते हुए नजर आती जो गरीबों को राशन मिलता है, तो दूसरी तरफ TRC के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसलिए गैस और सिलेंडर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई क्योंकि उसका जो दाम बढ़ रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार माना जा रहा है TMC कार्यकर्ताओं की माने अगर। तो फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा जो पार्टी लगातार कहती रहती थी गैस और सिलेंडर के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं आज उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्या सच में गरीबों को जो राशन दिया जा रहा है उसमें केंद्र सरकार का हाथ है, बीजेपी का हाथ है? क्या उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हर राशन की दुकान पे लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है और सच में क्या क्रेडिट देना प्रधानमंत्री का सही है या गलत है, इस पे कमेंट मैं चाहूंगा आपका। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।